एक एक सेकंड कीमती है, मुझे किसी भी तरीके से डीजे से पहले उस चेयरमैन रफीक बेग से मिलना होगा। आई हैव अ प्लान टू, पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास होटल की एग्जैक्ट लोकेशन तो होनी चाहिए ना। पता नहीं अंकल, आई रियली होप सब अच्छी न्यूज ही हो। कैसा अंकल? ओके ओके ओके, आई विल बी देयर अंकल। थैंक यू सो मच उस होटल की लोकेशन बताने के लिए, थैंक यू। रूस, तुम प्लीज यहीं पे रहना और मम्मी पर ध्यान रखना, और खास करके उस नर्स पर। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उस नर्स पर। शो मैम, टेक केयर। Come on. Good. Very good. डीजे, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। सी यू ऑन द अदर साइड। मिस्टर बिग, प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर दिग्विजय जी। ऑल गुड, होप यू फाइन टू। मुझे पता है आप कितने बिजी, और इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाल के आने के लिए थैंक यू। जनाब, गुरूर करके इंसान को क्या फायदा, सरकार के मुलाजिम हैं, कुर्सी है उस पर कल कोई और था और कल कोई और होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, आज जिस सर पर ताज है कल वो सर ना रहेगा। तख्त तो ताज भी नहीं रहते, बस इमारतें रह जाती हैं। वाह वाह, क्या बात है। प्लीज सिट, व्हाट विल यू हैव? आज आपको इंप्रेस करके मैं अपने पोर्ट की एक और सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। ये रात आपके लिए यादगार रहेगी। Come on, show me the image. वैसे दिग्विजय जी, मैं ऐसी वैसी महफिलों में जाता नहीं हूं। यहां आने से पहले भी हिचकिचा रहा था, पर यहां आके आपके इंतजाम देखकर कहना पड़ेगा, बड़ा उम्दा माहौल बनाया। बस उम्मीद करता हूं कि यहां सब लोग अपने हैं। जय हो रफीक मियां। उम्मीद नहीं, यकीन मानिए, यकीन, यहां पर सब कुछ सेफ है। कैसे आप? बस आपने कह दिया और हमने मान लिया सृष्टि जी। वैसे आप जैसे शौकीन मिजाज के लोग रोज कहां मिलते हैं? आपके बहाने आज
हम भी ई मफिन जो है मचा लेंगे उसका। बढ़िया। बिल्कुल। आप नोश फरमाएंगे? लीजिए लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, तौबा, मैं फ्रूट जूस पीता हूँ बस। अच्छा अच्छा, वैसे ये जो देसी शरबत है उसके सामने अंग्रेजी चीज का है? हाँ? बीजे बबुआ, तुम लो अपना बिलायती, लो। अरे इनके लिए शरबत लिया, जा जल्दी से। वाह, हाउ डीजे, तुमने इतनी अच्छी और इतनी बड़ी गलती की है ना, और इस गलती का पूरा फायदा मैं उठाऊंगी, सो थैंक यू सो मच। कोयल, व्हाट्स द डिले? आई डोंट नो, मैंने सब कुछ चेक किया था पहले, इट वाज ऑल वर्किंग, पता नहीं क्या हो गया, प्रोजेक्टर चल ही नहीं रहा है। कोयल, मैंने तुम्हें पहले कहा था इम्पोर्टेंट दिन है, सारे टेक्निकल चेकअप अच्छे से करना। हाँ डीजे, मैंने चेक किया था, इनफैक्ट डबल चेक किया था, सब कुछ ठीक था, बट आई डोंट नो अभी। मिस्टर बेगम, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं बस अभी अपनी टेक्निकल टीम को बुला के ये सॉर्ट आउट करता हूँ और फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं। कोई बात नहीं जनाब, खामखा वक्त जाया ना करें, प्रेजेंटेशन तो हम लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। Thank you so much for your support and cooperation, Mr. Beg. Thank you. Cool. So, Mr. Beg, ये port का project हमारे लिए हमारा सबसे ambitious project है. First few slides are the blueprint of the project. खेल अब शुरू होता है डीजे, एंजॉय। मिस्टर बेग, हमने आपके और पोर्ट अथॉरिटी के बारे में काफी कुछ रिसर्च किया है और रिसर्च में ये सामने आया है कि मिस युक्ति मुल्तानी, आई एम श्योर आपने बहुत रिसर्च की है, यू नो इट, बट क्या है ना, प्रेजेंटेशन हम महाजन दे रहे हैं, सो मे बी ऑफ कोर्स द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। So, Mr. Beg, sorry. Continuing where we left. Stage तो मिल गया तुम्हें, लेकिन नाचोगे मेरी म्यूजिक पे। जनाब, आप इसे डिटेलिंग कहते हैं? Yes, absolutely. हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इतना प्रॉपरली डिटेल प्लान आपको जरूर पसंद आएगा। आफ्टर द डिटेलिंग, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, वी टॉकिंग अबाउट ऑल द नॉर्म्स। हम लोगों ने पोर्ट की प्लानिंग में गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को अकोमोडेट किया और अच्छे से नोटिस पर रखा, बट उसके साथ साथ हमारे थोड़े से कंसर्न्स भी हैं। मेरी पूरी रिसर्च टीम ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है मिस्टर बीट, and especially worker related concerns हमारे बहुत ज़्यादा हैं। We will abide by all the rules and the norms, but as the port authority of the country, आपकी भी certain duties हैं। हम लोग सब करेंगे, but हमारी certain demands हैं जो आपको ज़रूर पूरी करनी पड़ेंगी। That's all. आपकी ये demands मुझे समझ नहीं आ रही दिग्विजय। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाकर आप कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं मिस्टर दिग्विजय? गुस्ताखी? कैसी गुस्ताखी मिस्टर बेग? हमारी डिमांड्स तो जायज है, क्या गलत क्या है प्रेजेंटेशन में? गलत क्या है? खैर, भानु प्रताप जी, मुझे आपसे अकेले में बातचीत करनी है। जी जरूर आइए।
ये क्या? What was all this? और ये क्या हुआ मिस्टर बिग ऑल ऑफ अ सडन? I don't know. I'm totally clueless, Cole. क्या बात है बिग साहब? मानो प्रताप जी, मेरी नजरों में आपकी बड़ी इज्जत है. मैं अपनी जुबान से कह नहीं पा रहा हूँ, बस हैरान हूँ दिग्विजय की सोच पर. वो इस प्रोजेक्ट को लीड नहीं करेगा. लेकिन बिग साहब, दिग्विजय ने आखिर ऐसा किया क्या है? देखिए, वो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता. या तो आप मेरी बात मान लीजिए, या प्रोजेक्ट पर मुझसे मदद की उम्मीद छोड़ दीजिए. ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन फिर हमारे प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा? दादा बाबू, व्हाट हैपेंड? दादा बाबू, हुआ क्या? क्या कहा क्या मिस्टर बेग ने? बेग साहब नहीं चाहते कि तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो. What? क्यों दादा बाबू, मैंने किया क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता दिग्विजय, उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया. लेकिन एक बात तो पक्की है, जरूर तुमसे कोई गलती हुई है. मुझसे गलती? मैंने किया क्या दादा बाबू? मेरी गलती ये थी दादा बाबू कि मैंने इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके उनको समझाया. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.